बताने वाला हूँ कि एक कॉन्सेप्ट कि जो ये आप देख रहे हैं 3 वोल्ट के ऑक्सिलरी राइट यहाँ पे प्रेजेंट है और 12 वोल्ट के सीपीयू फैन हटाने के बाद भी जो मदरबोर्ड है ऑन नहीं हो रहा है। ये मदरबोर्ड कौन सा है? HP 280 G3 MT माइक्रो टावर PC का है और इसका पार्ट कोड आप देख सकते हैं FX-ISL4Rev1। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है नो डिस्प्ले सम टाइम मेनी टाइम्स, लेकिन अब यहाँ पे भी ऑक्स लाइट जल रही है लेकिन यहाँ ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट का लाइट प्रेजेंट है बट स्टिल ऑन नहीं हो रहा है। तो इस केस को हम देखेंगे, समझेंगे कि कैसे ठीक करेंगे और कैसे ट्रबल शूट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सबसे नंबर पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो मैनुअल है वो हम उसमें करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं मैनुअली। अगर मैनुअली ये ऑन हो जाता है फिर हम अलग स्टेप अपनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए जानते हैं ब्रांडेड PC की मदरबोर्ड को कैसे हम रिपेयर करते हैं। बताना चाहूँगा कि जो ये मदरबोर्ड है उसको हम कैसे चेक करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे रिपेयर के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ से देखेंगे ऑन करेंगे तो ये लाइट, देखिए मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी लाइट जल रही है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 वोल्ट का कनेक्शन हटा के और यहाँ से ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करके जैसे SNPS को चेक करते हैं देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लाइट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्राइमरी को सेक्शन में शॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो यहाँ पे इसकी इम्पीडेंस देखेंगे, इम्पीडेंस आप लोग देखना यहाँ पे मल्टीमीटर में। तो ये इम्पीडेंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डायोड मोड पे चेक करना आपको, एक साइड से 400 समथिंग 500 समथिंग आएगा। तो आप देखना, देखिए यहाँ पे 400 समथिंग यहाँ पे आ रहा है। ओके, दूसरे साइड से चेक करें तो 1200 के आसपास आके 1600 1800 2000 की इफेक्ट आ जाना चाहिए जीरो वैल्यू के साथ। देखिए आ गया, तो यानी कि ओके है, VRM में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं IT की एक चिप लगी है, जैसे IO होता है उस टाइप का ये होता है। ठीक है, एक IC होता है, हम इसको चेक करेंगे एक बार। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग देखने को मिलता है जिसकी इम्पीडेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे एक बार सस्पेक्ट करके, या तो फिर भी इसको हम निकाल के देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे अभी कुछ ये ओपन भी होता है तो अभी ऑन नहीं होता, तो अभी यहाँ पे कुछ इसकी जो वैल्यू है नहीं मिल रही है शॉर्टिंग। ठीक है, बाकी जो था वो कॉइल था, तो हमने इसको अभी क्या करेंगे, इसको हम हटा के देखेंगे। इसी की ज़्यादातर से इशू होता है, तो भी IO हमारा इधर है और यहाँ पे VAB कंट्रोलर जस्ट लाइक IO। तो ये PCI ब्रिज चिप है और इसको हम क्या करेंगे, हटा के देखेंगे। जो कभी कभार शॉर्ट होने के बाद से सिंगल फंक्शन के साथ होता है, तो इसको हटाते हैं फिर देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं। तो देखिए ये इसको हमने निकाला और इसको रिसोल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको अटेंड करेंगे ऑन के लिए। इसे ट्रैक
जो कनेक्शन है सब बारीकी से अलग अलग हट जाए यहाँ से। इसके लिए स्कीमेटिक में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं टर्न ऑन करके। इसके लिए हम वापस से जो चीज़ हमने कनेक्ट किया था सीपीयू पावर भी लगा लेंगे हम 12 वोल्ट और इसको यहाँ से कनेक्ट करके देखेंगे। आईसी रिमूव सक्सेसफुली और देखिए ऑक्सिलरी लाइट जल गई है। ऑन करके देखते हैं, अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दो सारी चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट। एक बार सीमॉस हटा के हम देख लेते हैं और सीमॉस क्लियर करके भी। एक सीमॉस यहाँ से भी हट से रिसेट होता है और वहाँ से पासवर्ड रिसेट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दबा के रखेंगे कंटिन्यू। और देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। आपने देखा कि ऑक्सिलरी लाइट जल रही थी लेकिन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन मदरबोर्ड हमारा ऑन हो गया सक्सेसफुली। तो हम क्या करेंगे, होम पोजीशन पे इसको लगा लेंगे। ठीक है, और ये आईसी आप शॉर्ट करके डायरेक्ट यहाँ से चेक करोगे तो हीट हो रहा होगा, तो इट मीन्स ज़्यादा ऐसे चेक करोगे उल्टे आप सरफेस से तो ये शॉर्ट रहता है उस केस में। तो चलिए अब देखते हैं रैम लगा के। मदरबोर्ड हमारा ऑन हो गया, फिक्स हो गया जो प्रॉब्लम था हमारा। नो डिस्प्ले अलग केस होता है, पावर ऑन अलग केस होता है, तो आप ज़रूर चेक करें इन सब चीज़ों को डिटेल में। तो ये हमने लाइव वीडियो बनाया था, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। देखो ऑन ओके ऑफ हो गया, तो मदरबोर्ड ओके होता है तो ऑन ओके ऑफ हो जाता है एक ही बार में। ऑन करने से ऑक्सिलरी लाइट आप देख ही रहे हैं ग्लो कर रहा था। तो साथ में आप क्या करेंगे, इसे वीजी केबल लगाएंगे और डिस्प्ले चेक करेंगे। तो यहाँ से वीजी केबल लगा देते हैं, ठीक है, और फैन भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम सीपीयू सॉकेट को देखेंगे, अगर कोई इनकेस हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो। अभी देखिए दो तीन बार रिस्टार्ट होगा क्योंकि हमने बैटरी यहाँ से निकाल रखी थी। अब बैटरी को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले भी हमारा आ गया है और जो देखिए ठीक है सीमॉस रिसेट कर दे रहा है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लगा देते हैं बैटरी पुनः और सिस्टम को एक बार यहाँ से देखिए बंद करते हैं। बंद हो गया, डिस्प्ले भी चली गई। और ऑन करते हैं दोबारा से, देखिए ऑन किया और आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में डिस्प्ले भी आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। देखिए डिस्प्ले आ गया और ठीक है, अब मदरबोर्ड भी रिपेयर हो चुका है। आई आईसी आप किसी भी मदरबोर्ड से निकाल के सेम लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।